आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, देर रात जब मैं अपनी ट्रक लेकर रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा, तब तक फाटक बंद हो चुका था और अब आगे जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। यहाँ रुक कर इंतजार करना था और उसमें ट्रक पूरे सामान से लदी हुई थी। भारी भरकम बोझ होने की वजह से ट्रक के ऊपर रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं था। मेरा खलासी लाल चंद भी अब थका हारा लग रहा था। अब उसके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ट्रक से उतरकर सामान को देख सके या रेलवे पर मौजूद कोई खबर मुझे दे सके। उसकी हालत इतनी कसमकस देखकर मैंने भी अपने खलासी को ट्रक के अंदर ही बैठे रहने को बोल दिया, क्योंकि बेचारा पूरे दिन का काम करके बहुत ही बुरी थक गया था। स्टेशन पर ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची थी और ऊपर से जोरदार ठंड में मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ट्रक से नीचे उतर जाऊं। लेकिन अब कोई चारा भी नहीं था, लिहाजा फाटक खोलकर मैं ट्रक से नीचे उतर गया। और उसके बाद जब मैं ट्रक से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि सामने की ओर ग्रीन लाइट जल रही थी, जो ट्रेन के जाने का संकेत थी। लेकिन अभी तक ट्रेन का दूर दूर तक कोई नामो निशानी नहीं था। मैं ट्रक में लदे हुए सारे सामान को देखने लगा। ट्रक पूरी तरीके से लोड थे तो सामान को देखना भी हमारी एक जिम्मेदारी थी। सब कुछ संभाल लेने के बाद मैं वापस ट्रक की तरफ पलटा और दरवाजा खोलते हुए जब मैं ट्रक में गया तो मैंने देखा कि पटरियों के ऊपर एक छोटा और मासूम सा बच्चा चल रहा था। उस बच्चे को पटरियों पर देखते ही मैं एकदम से डर गया और तुरंत ही भागते हुए उस बच्चे को बचाने के लिए चल पड़ा। लेकिन इसी बीच अपने पीछे से आवाज आने लगी, अरे उस्ताद जी, आप ठीक तो हो ना, उधर क्यों भाग रहे हो? लेकिन मैंने किसी की ना सुनी और पटरियों पर खड़ा हो गया और उस बच्चे को तलाशने लगा। इसी बीच मुझे जोर से धक्का लगा और मैं पटरियों के दूसरी तरफ गिर गया। शरीर में एक बड़ा जोरदार झटका लगा, लेकिन अब तक मैं सब कुछ भूल गया था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं हूँ कौन और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मेरा मकसद क्या है। लेकिन जैसे मुझे धक्का लगा और मैं नीचे गिरा तो मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। मैंने देखा कि ट्रेन बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ निकल गई है और मैं अभी मरता मरता ही बचा था। तभी मैं एक गहरी सांस खींचते हुए अपने आप को शांत करने लगा। इस बीच मेरा खलासी गुस्से से तर्राता हुआ बोला, तुमको ये ट्रेन नज़र नहीं आ रही थी जो मौत को गले लगाने यहाँ तक चल पड़े? तभी मैंने कहा, अरे यार, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। मुझे पटरी पर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया और उसे बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन अब पता नहीं वो बच्चा कहाँ पर है। मेरे खलासी लालचंद ने मेरा हाथ पकड़ा और ट्रक में बैठने को कहा। इससे पहले कि हम ट्रक में जाते कि हमें उन्हीं पटरियों के पास काले कपड़े पहने एक हट्टा कट्टा नौजवान दिखा, जिसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। पहले तो मैंने उस आदमी से बतलाना बिल्कुल भी सही नहीं समझा। फिर वो कुछ देर रुकने के बाद थोड़ा सोचते हुए बोला, इस स्टेशन पर जो होता है वो देखता नहीं है और जो नहीं होता है वो होता है। उस नौजवान लड़के की इन बातों से मेरे ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेशन के पीछे किसी गहरे राज का संकेत मिल गया था। फिर उस लड़के ने कहा, अब ये फाटक तकरीबन 2 घंटे के लिए बंद रहेगा और जब तक ये बंद रहे तुम्हें बहुत सी ऐसी चीज़ों का सामना करना होगा जो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी दखल तलक नहीं देती। उस लफंगे लड़के की बात सुनकर मैं थोड़ा गुस्से में आ गया और उस पर थोड़ा चढ़ते हुए बोला, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम निकलो यहाँ से, तो इतनी रात को इस स्टेशन पर क्या कर रहा है? मेरे खलासी ने मेरा हाथ पकड़ा, अरे अरे अब शांत हो जाओ, ये चला जाएगा ऐसे ही, और अगर नहीं गया तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि इसके साथ क्या करना है। शायद ये मामला अब पेचीदा हो सकता था। लालचंद की बात मानकर मैंने उस आदमी को इग्नोर कर दिया और फिर अपने ट्रक की तरफ चल पड़ा। हम किसी तरह ट्रक के अंदर तो पहुंच गए थे, लेकिन फाटक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज की मनहूस और सर्द रात पता नहीं कौन कौन से नज़ारे दिखाने वाले थे। अभी तो हम ट्रक में बैठे ही थे कि एक आवाज़ जिसने हमें एक बार फिर से चौकन्ना कर दिया। इस आवाज़ को सुनते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा सा हथौड़ा लेकर हमारे ट्रक के दरवाजे पर जोर जोर से मार रहा है। गुस्से में आकर लालचंद ने अपना आपा खो दिया और वो नीचे उतरकर अपने हाथ में डंडा लेकर इधर उधर भटकने लगा। लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि कोई नीचे था ही नहीं। दूर दूर तक बिखरा हुआ जोर का सन्नाटा और उस अंधेरी चादर में दिखाई देने वाले तारों की चमकती रोशनी, जिसके अलावा उस स्टेशन पर कुछ था ही नहीं। फिर इतने में ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंच गई। पर जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंच गई तो उसके साथ ही मेरे उस्ताद जी वापस से ट्रक में आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, यार बाहर तो कुछ भी नहीं है, फिर ये आवाज़ कैसी थी?
ट्रेन को अभी तक सिग्नल नहीं मिला था और जो उस फाटक के पास रूम बनाया गया था शायद रूम गार्ड भी वहां से गायब था क्योंकि रूम के सामने ताला लगा हुआ था। हमारी ट्रक सामान से लदी हुई थी और यही एक बड़ा कारण था कि खड़ी खड़ी ट्रक भी कभी भी पंचर हो सकती थी क्योंकि हद से ज़्यादा सामान हमने उसके अंदर भर दिया था। इतने में मेरे उस्ताद ने कहा, अरे ड्राइवर जी, लगता है फाटक में कोई प्रॉब्लम हुई है, इसलिए हमें उतर कर देखना चाहिए या फिर स्टेशन पर जाकर ट्रेन में मौजूद लोको पायलट से पूछना चाहिए। लालचंद भाई साहब की बात मानकर मैं अपने ट्रक से नीचे उतर गया और अपने ट्रक से नीचे उतरने के बाद मैं लालचंद के पीछे पीछे पहले तो गार्ड रूम के पास पहुंचा और जब हमने देखा कि गार्ड रूम के पास कोई नहीं है तो फिर हम लोग स्टेशन की तरफ चल पड़े जहां लोगों की भीड़ लगी होगी। पहले तो हमें स्टेशन पर कोई भी दिखाई नहीं दिया और जैसे जैसे हम स्टेशन के करीब जा रहे थे तो सच में स्टेशन पर सन्नाटे के अलावा कोई चीज़ मौजूद ही नहीं थी, सिर्फ खामोश सन्नाटा और कीड़ों की चीखने की आवाज़ थी। मौसम भी खराब होने वाला था और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी अब शुरू हो गई थी और शायद बहुत ही जल्द बारिश भी होने वाली थी। बारिश के आने का मतलब था ठंड में बढ़ावा होना। मैंने उस्ताद से कहा, अब हमें और जल्दी चलना चाहिए, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है और ट्रक में पड़ा माल खराब हो जाएगा, चलो उसके ऊपर एक तिरपाल डाल देते हैं। बारिश का नाम सुनकर तो मानो उस्ताद में एक अलग ही ऊर्जा आ गई। वो तेज तेज कदम पटकते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे और उसके बाद किसी तरह स्टेशन पर पहुंच गए। हम लोग जब स्टेशन पर पहुंचे तो हमने देखा कि कोई स्टेशन पर था ही नहीं, लेकिन जब नज़र ट्रेन की बोगी के अंदर गई तो सभी लोग सफ़ेद चादर लपेटे आराम कर रहे थे। हम बोगी नंबर 9 में पहुंचे जिसके अंदर सिर्फ दो लोग ही नज़र आ रहे थे। हैरानी तो इस बात की थी कि पूरी ट्रेन के अंदर लोग सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहने नज़र आ रहे थे। अभी तक हमने किसी को हाथ नहीं लगाया और उसके बाद ट्रेन को एक ज़ोरदार झटका लगा। झटका लगने के कारण मैं सीट से टकरा तो नीचे गिर पड़ा और एक लोहे का सरिया मेरे हाथ में धंस गया। मेरे हाथ से बहुत तेज खून निकलने लगा। खून का बहाव इतना ज़्यादा तेज था कि वहाँ की बोगी पूरी की पूरी खून से लाल हो गई। उस्ताद ने जब मेरी ये दशा देखी तो उन्होंने एक अपनी जेब से कपड़ा निकाला और मेरे हाथ पर कसने लगे, लेकिन उस कपड़े से कुछ नहीं हुआ तो उस्ताद ने अपने बगल में सोए हुए एक आदमी को जगाने की कोशिश की, लेकिन अब तक उसकी आंखें नहीं खुली तो लालचंद जी ने उसकी उस कंबल को हटाया और उसे दूसरी तरफ फेंक दिया। उसके बाद जो नज़ारा हमने देखा उसे देखकर तो हमारा पूरा शरीर सुन पड़ गया। मेरे हाथ से खून निकल रहा था जिसे देखकर उस्ताद हक्का बक्का रह गए। हालांकि अभी तक मैंने उस नज़ारे को नहीं देखा था जिसे उस्ताद इमेजिन कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि इस समय क्या हो रहा है, लेकिन तभी उस ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही पलों में ट्रेन इतनी तेज चलने लगी कि हम नीचे नहीं उतर पाए। ट्रेन लगातार स्पीड से आगे बढ़ती रही और फिर मैं भी सीट पर बैठ गया और जब मेरी नज़र उस आदमी पर गई जिसके ऊपर से अभी अभी ये सफ़ेद चादर हटी थी तो मेरी सांस भी ऊपर नीचे होने लगी। क्या मैं एक वास्तविक दृश्य देख रहा था या फिर किसी झूठ का पर्दा? जो आदमी हमारे बगल में लेटा हुआ था उसके शरीर पर चमड़ी नहीं थी, पूरा का पूरा शरीर कांप उठा। विश्वास नहीं हो रहा था कि यह असलियत है। मेरा दिमाग घूम गया था, हाथ पर कांप रहे थे और इतने में ही लालचंद उस्ताद ने मुझे ट्रेन से कूदने का इशारा किया। अपने अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं नीचे कूद सकूं, लेकिन किसी तरह मैं सीट से उठा और दरवाजे के पास जाने लगा। इतने में उस ट्रेन का टीटी उस डिब्बे के अंदर पहुंच गया और जैसे वो टीटी ट्रेन के अंदर पहुंचा तो मुझे धैर्य तो मिला, लेकिन दूसरे ही पल सब कुछ एक बार फिर दहशत में तब्दील हो गया। उस टीटी की मुंडी नीचे की तरफ झुकी हुई थी और उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इसने सालों से कुछ खाया ही ना हो। उसके पतले दुबले शरीर से हड्डियां निकली हुई, जबड़ा अंदर धंसा हुआ और एक लंबी हाइट का बदसूरत सा इंसान अपनी आंखें चौड़ी करके मेरे सामने खड़ा था। उसे देखने मात्र से ही मेरी रूह कांप रही थी। तभी उसने धीमी सी आवाज में कहा, टिकट दिखाओ। अब हम लोग तो बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े हुए थे। ट्रेन का टीटी काफी देर तक हमें यूं ही घूरता रहा और उसके बाद एक अजीब सी आवाज में बोला, लगता है तुम्हारे पास टिकट नहीं है क्योंकि तुम लोग आज पहली बार इस ट्रेन में बैठे हो। टीटी की आवाज़ सुनकर हमें बड़ा ही डरावना लगा। वो भयंकर आवाज़ हमारे दिल तक पहुंच गई थी। भारी भरकम आवाज़ लेकर वो एक लंबी सांस लेते हुए बोला, चुपचाप इसी सीट पर बैठे रहना और ट्रेन से कूदने की कोशिश मत करना, और तुमने ऐसा किया तो तुम्हें अपनी मौत को गले लगाना होगा। उसकी वार्निंग जिसके समक्ष हम कुछ भी नहीं थे। पता नहीं क्यों लेकिन हमें ऐसा लग रहा था मानो असल में ये कोई टीटी नहीं
बल्कि कोई भूत है। और उसके बाद वो चुपचाप मौन धारण करके वहाँ से आगे निकल गया। जब हमारी नज़र उस मास से सने हुए आदमी पर गई तो हमने देखा कि अब वो आदमी वहाँ से गायब हो गया था, और साथ ही उस डिब्बे के अंदर मौजूद सफ़ेद कपड़े पहने सभी के सभी लोग अचानक ही छूमंतर हो गए। बोगी में विकराल सन्नाटा छा गया। सारी की सारी बोगी पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी। ट्रेन पूरी क्षमता के साथ पटरियों पर भागती हुई नजर आ रही थी, और इसी बीच हमारी बोगी के अंदर किसी चीज़ के खटखटाने की आवाज़ आई। इस आवाज़ को सुनते मैं चुपचाप से सीट पर ही बैठ गया, क्योंकि यहाँ पर वो टीट भी हो सकता था, जो दिखने में बड़ा ही डरावना लग रहा था। और उसके बाद ट्रेन रुकी एक प्लेटफार्म पर, जिसको देखते ही ट्रेन के अंदर कुछ यात्रीगण फटाफट नीचे उतरने लगे। सभी को नीचे उतरता देख मैं और लालचंद जी दोनों भी ट्रेन से नीचे उतर गए। और उसके बाद उस स्टेशन पर हम टहलने लगे। स्टेशन पर लोगों की कतार ना के बराबर थी, और इसी बीच स्टेशन पर मौजूद एक दुकान पर पहुंचे, जहां मैंने उस दुकानदार से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमें मुड़कर भी बिल्कुल नहीं देखा। ये एक अजीब सा स्टेशन था। फिर तभी हमारी बात उस स्टेशन के केले वाले आदमी से हुई। वैसे तो यहाँ का हर एक बंदा वाकि दिखने में बड़ा ही अजीब और डरावना लग रहा था। फिर उसने अजीब ढंग से कहा, तुम इस ट्रेन के अंदर बैठ गए जो पृथ्वी से चलती तो है लेकिन कहीं और ही जाती है। अगर तुम्हें इस भ्रमित दुनिया से बाहर निकलना है तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाना होगा। उस आदमी ने बताया कि ये जगह भूतों की एक बस्ती है, और इस जगह पर फंसकर तुम लोग तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर अपने शरीर को दर्दनाक मौत के साथ गवा दोगे। फिर उसने एक बस की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बदन में एक ज्वाला फटने लगी। दोस्तों, उस बस में ऐसा क्या था और हम इस दुनिया से बाहर कैसे निकले, ये सब जानने के लिए आप इस कहानी का दूसरा भाग जरूर देखें। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।